पाठ सात वचन नंबर देखिए पढ़िए और समझिए। मेरे पास एक गुब्बारा था और वह फूट गया। कोई बात नहीं, मेरे पास पांच गुब्बारे हैं, एक तुम ले लो। लो, तुम भी एक टॉफी खाओ, मेरे पास दो टॉफियां और हैं। धन्यवाद। आपने बच्चों की बातचीत पढ़ी और इस बातचीत में ध्यान दिया कि गुब्बारा और टॉफी शब्द एक होने का बोध करा रहे हैं तथा गुब्बारे और टॉफियां एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन से संख्या का बोध होता है। वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक एकवचन यानी सिंगुलर, दो बहुवचन यानी प्लूरल। एक एकवचन, जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं, जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही है। दो बहुवचन, जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं। आओ कुछ और भी जानें। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे चूहा भाग रहा है, चूहे भाग रहे हैं। इस वाक्य में चूहा का वचन बदलने से क्रिया का रूप बदलकर रहा है से रहे हैं हो गया है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहते हैं, जैसे बादल, आदमी, घर, पानी, पेड़, मंदिर, आंसू आदि। आदर देने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, दर्शन आदि। सांप को देखते ही मेरे प्राण सूख गए, मैंने भगवान के दर्शन किए। अगर शब्द के अंत में ई या ऊ है तो वचन बदलते समय बड़ी ई का ई और बड़े ऊ का ऊ हो जाएगा, जैसे कली कलियां, वधु वधुएं आदि। कुछ संबंध बताने वाले संज्ञा शब्द दोनों वचनों में एक समान होते हैं, जैसे दादा नाना मामा चाचा पिता आदि। अगणनीय संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता का बहुवचन रूप नहीं बनता है, जैसे पानी चीनी दूध आदि। वचन तालिका। एक वचन बहुवचन, झंडा झंडे, कमीज कमीजें, रात रातें, डंडा डंडे, आंख आंखें, राह राहें, मुर्गा मुर्गे, पंखा पंखे, बहन बहने, पौधा पौधे, पुस्तक पुस्तके, बूंद बूंदे, बच्चा बच्चे, गमला गमले, कटोरी कटोरियां, गुड़िया गुड़ियां, कौवा कौवे, रुपया रुपिये, बहु बहुए, वधु वधुएं, माला मालाएं, कक्षा कक्षाएं, चिड़िया चिड़ियां, टोपी टोपियां, छुट्टी छुट्टियां, मछली मछलियां, घड़ी घड़ियां, बिल्ली बिल्लियां, कहानी कहानियां, मिठाई मिठाइयां। संख्या का जो ज्ञान कराए वही तो बच्चों वचन कहलाए। एक वचन और बहुवचन दोनों इसके भेद कहलाएं। आओ पाठ दोहराएं। वचन संख्या का बोध कराते हैं। जो शब्द एक ही संख्या का बोध कराते हैं वे एक वचन होते हैं। जो शब्द एक से अधिक की संख्या का बोध कराते हैं वे बहुवचन होते हैं। कभी कभी क्रिया के रूप से वचन की पहचान होती है। अपने से बड़े एवं आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है।
कुछ शब्द हमेशा एक वचन और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं।